नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर। और जैसा कि आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी आर्ट्स अर्थात कला की तैयारी करते हुए हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी महा ट्रिक के माध्यम से बढ़ते जा रहे हैं जिसमें आपको रिवीजन की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आप DSSSB का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे रहे हैं, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, बड़े आराम से आप इनको क्वालिफाई कर पाएंगे। अब की बार टीजीटी पीजीटी पार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसी के साथ। तो क्वेश्चन 431, क्योंकि 430 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बोला गया है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई है? रामगढ़ की पहाड़ी में, हड़प्पा की पहाड़ी में, मोहन जोदड़ो की पहाड़ी में या लोथल की पहाड़ी में? तो बेसिकली कहाँ पर मिली है? मोहन जोदड़ो की पहाड़ी में हमें देखने को मिली है। देखिए आप कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी जिसमें हड़प्पा मोहन जोदड़ो दोनों को दिखाया गया था। तो बेसिकली वहाँ पर मोहन जोदड़ो में एक व्यक्ति को दिखाया गया था जो चारों तरफ घूम रहा था पागलों की तरह, और पूछने पर ये बताया गया कि पहली ईंट इन्होंने ही रखी थी मोहनजोदड़ो की। तो अगर आपने मूवी देखी होगी, और मूवी देखा करिए, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पर मूवी वो जो पढ़ाई में काम आए। तो वहाँ पर जो व्यक्ति जिसने पहली ईंट रखी, क्या वो बूढ़ा नहीं होगा? और मोहनजोदड़ो में पहली ईंट रखी उन्होंने, पहली ईंट रखने का मतलब है उसका निर्माण कार्य उन्होंने ही करवाया। तो बेसिकली जो पहली ईंट रखी वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया और दुशाला ओढ़े योगी, और योगी की दाढ़ी कैसी होती है? बहुत लंबी लंबी होती है। और बूढ़े इंसान की दाढ़ी भी क्या होती है? लंबी लंबी होती है। तो बेसिकली कहाँ मिला? मोहन जोदड़ो में मिला। आगे है हमारा, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरे बनी है मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की या चमड़े की? देखिए चमड़ा उस समय था नहीं, लकड़ी काटते वो थे नहीं, क्योंकि उन्हें प्रकृति से प्रेम था, ऐसा मान के चलना है। सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस उस समय था नहीं, तो क्या हुआ होगा? वो था मिट्टी अर्थात टेराकोटा। और बोलते हैं वैसे मिट्टी को जब हम पका लेते हैं आग के ऊपर तो वो क्या बनता है? टेराकोटा बनता है। तो या तो मिट्टी ऑप्शन में मिलेगा या फिर मिलेगा टेराकोटा, याद रखेंगे। क्वेश्चन 433, बोला गया है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? अजंता है, महाबलीपुरम है, सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर खुजराहो है? तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन है हमारा 434, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में, मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल में? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार तो महोदय हो चुका था नवपाषाण काल में ही। अब जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो ध्यान से सुना होगा तो बड़े आराम से आपको याद होगी, जो हमारी बेट क्लासेस हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको एक बार पढ़ने के बाद फिर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है जिंदगी भर। क्वेश्चन 435 बोला गया है दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? दक्षिण भारत की बात की जा रही है, और इसकी ट्रिक हमने आपको शायद पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियो में बताई थी। तो बेल्लारी, लोथल, मद्रास या कर्नाटक? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बेल्लारी। अगर आप अंत तक बने रहे ना सभी वीडियो में, तो जिस प्रकार हमें आंसर याद है उसी तरह आपको आंसर हम रटवा देंगे, इस बात की हमारी 100% गारंटी है। और जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है उनको तो जिंदगी भर कभी आंसर वो भूल नहीं पाएंगे, इस तरह से उनको कराया जा रहा है। क्वेश्चन है 436, जिसमें बोला गया है राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने हैं? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो राग रागनी की जो चित्र बने हैं वो बने हैं हमारे राजस्थान के अंदर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। और राग रागनी के चित्र राजपूत शैली में सबसे अधिक बने हैं, मतलब बनने को तो और भी शैलियों में बने हैं पर सबसे अधिक बने हैं राजपूत शैली के अंदर। क्वेश्चन है 437, जिसमें बोला गया है उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था कानपुर था, आगरा था, पटना था या नैनीताल था? तो उत्तर भारत में अगर हम मुख्य कंपनी शैली की बात करें तो क्या था हमारा? पटना था। कहाँ था? पटना। और बिहार की राजधानी है पटना। क्वेश्चन 438, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चित्र है? गंगनेर नाथ टैगोर का, रवि वर्मा का, जितेंद्र नाथ मजूमदार का या नंदलाल बोस का? तो युधिष्ठिर की जो स्वर्ग यात्रा है वो है हमारे यहाँ पे नंदलाल बोस का चित्र।
शांति निकेतन में ये जो है काम करते हैं नंदलाल बोस। आगे, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? मकबूल फिदा हुसैन, राजा रवि वर्मा, MF सुजा या मंजीत बाबा। तो बेसिकली बहुत सारी ट्रिक ऐसी होती हैं जो चैप्टर के साथ साथ ही काम करती हैं, जैसा कि हमारे एक वीडियो में आपको बताते ही हैं। तो ये जो ट्रिक छूटती चल रही है, इसका मतलब आप सीधे समझिए कि जो चैप्टर है हमारा वो एक दूसरे से पिर के ही इसकी ट्रिक समझ में आपको आ सकती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा, किलीमन्नूर, केरल में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। और ये जो फिल्म है कौन सी, रंग रसिया, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, 7 नवंबर 2014 को ये जो है रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है? 7 नवंबर 2014 को। अब देखो कैसे याद रखेंगे वो भी समझ लेते हैं, केवल ईयर का समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा बाकी पूरी डेट है वो चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा काम करेगी। तो देखो 7 नवंबर का मतलब हो गया 11 और 2014। देखो राजा रवि वर्मा की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजा जो है वो चारों दिशाओं में अपना राज संभाल के रखता है, और उसका जो रंग होता है, राजा का रंग का मतलब है उसका जो प्रभाव होता है वो चारों दिशाओं में फैला रहता है, अगर वो अच्छा राजा है तो। सीधी बात है ना, यानी कि हम इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे पर्टिकुलर कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि क्या होता है कि आपको रिलेट करना आना चाहिए यहाँ पर, वही ट्रिक होती है हमारी। तो रंग रसिया फिल्म की बात की जा रही है और उसके कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। तो रंग रसिया, हर एक व्यक्ति जो रंग होता है वो चारों तरफ बिखरा रहता है, चारों दिशाओं में रंग बिखरा रहता है, क्योंकि होली के त्यौहार में तो रंग बिखरा रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार निकल के आ गया, चारों दिशाओं में रंग बिखरा हुआ रहता है। अब रंग बिखेरने वाला कौन होता है? रंग बिखेरने वाले कृष्ण होते हैं, और अगर हम एक राजा की बात करें तो उसको हम राजा रवि वर्मा से इसलिए रिलेट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मान के चलो आपको याद नहीं है कि रंग रसिया फिल्म की कलाकार किस कलाकार के जीवन पर आधारित है, तो आप इसका उत्तर नहीं निकाल पाओगे, और जो हमारा चैप्टर है उसमें दोनों से रिलेट करके बताया गया, तो आप टेंशन ना लें। तो फिलहाल हम केवल रंग रसिया फिल्म पर फोकस करते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि रंग रसिया फिल्म किस सन में लॉन्च हुई, तो देखो रंग जो है चारों तरफ बिखेरते हैं और रंग बिखेरने वाला केवल एक है, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया। अब इतना तो हमें कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि फिल्म अच्छी क्वालिटी की तो भाई हमें आज़ादी के बाद ही मिली, और आज़ादी के बाद भी 2000 के बाद ही मिली, तो यहाँ पर 2014। हालांकि आप ऑप्शंस में देखोगे तो 20 पे कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है, केवल अंत की डिजिट में चेंज किया जाता है। तो उत्तर याद हो गया ना, 2014, क्योंकि चारों तरफ रंग बिखरे होते हैं, एक व्यक्ति ही रंग बिखेरता है, और इसी से आप मंथ का भी अंदाजा लगा सकते हो। रंग बिखेरने वाला केवल क्या है, एक है, लेकिन श्री कृष्ण एक और एक अपने आप में क्या है, 11 है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 11। अब चलो आगे का देखें, 4, 5, 6 और 7, यानी कि ईयर केवल अगर हमें याद है तो हम डेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रंग रसिया फिल्म की डेट क्या है, 7 नवंबर 2014। क्या हो जाएगा, 7 नवंबर 2014। नवंबर की जगह 11 याद रखो, क्योंकि नवंबर का मतलब ही तो 11 होता है। तो केवल ध्यान से सुन लिया तुरंत आपको याद हो गया। आगे, प्रिंस ऑफ वेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है हमारा मुंबई में, और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है ये, तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा याद रखेंगे। कोर्स के बारे में वैसे तो ज़्यादा जानकारी देने की अब आवश्यकता है नहीं है, स्टार्टिंग की 5 डेमो वीडियो हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है, आप उसे देख के बड़े आराम अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी हम आपको बता दें, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, पूरी वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर कराए जाएंगे, 5000 से ज़्यादा MCQ होंगे, सभी नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, पर्सनल डाउट सेशन रहेगा, और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 7417405960 पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन 441, बोला गया है जोगीमारा गुफा में ईशा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं, 300 ईशा वर्ष पूर्व के, 105 के, 160 के या 270 के। तो इसके भी ट्रिक हमने आपको कोर्स में प्रोवाइड करा रखी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 300 ईशा पूर्व के चित्र हमें जो है देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन है 442, बोला गया है अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, शैव धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो अजंता में बेसिकली टोटल 30 गुफाएं देखने को मिलती हैं,
और सभी की सभी गुफाओं में हमें बौद्ध धर्म ज्यादातर देखने को मिलता है। क्वेश्चन 443 बोला गया है, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई? अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से या जोगी मारा से? तो भित्ति चित्रण की जो कला है वो भारत में प्रारंभ होती है जोगी मारा से। क्वेश्चन 444, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? जैन, बुद्ध, महावीर या यीशु मसीह? तो बेसिकली इसका क्या उत्तर होने वाला है हमारा, तो इसका उत्तर होने वाला है हमारा यहाँ पर अजंता के चित्र हैं बुद्ध से संबंधित, बौद्ध से संबंधित। क्वेश्चन 445, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? 19, 27, 2 या फिर 18? तो 1000 बुद्ध जो हमें देखने को मिलते हैं वो गुफा संख्या 2 में देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको गुफा संख्या 2। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें गुफा संख्या 2 में? इसमें इंद्रलोक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इंद्रलोक बना हुआ है। कैसे याद रखेंगे? देखो सबसे प्रथम जो देवता है वो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो प्रथम है। द्वितीय नंबर पे जो हमारे आते हैं उसको अगर हम देखें तो हमारा होता है स्वर्ग, और स्वर्ग के जो राजा हैं उनका क्या नाम है? इंद्र। तो बेसिकली इंद्र लोक इसका उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? इंद्र लोक। इसके बाद श्रीवास्ती का चमत्कार। अब जब इंद्र लोक में जाएगा कोई व्यक्ति तो वहां पे उसको चमत्कार तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा स्वर्ग है तो वहां पे चमत्कार ही चमत्कार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद या तो उसे स्वर्ग मिलेगा या उसे मिलेगा नर्क, स्वर्ग मिलेगा या उसे ये मिलेगा नर्क। तो स्वर्ग के देवता इंद्रदेव, तो उत्तर क्या हो गया? इंद्रलोक हो गया। इंद्रलोक में चमत्कार देखने को मिलेंगे तो चमत्कार भी मिल जाएगा। इसके बाद सर्वनाश। अब स्वर्ग या फिर नर्क जाने के लिए इंसान मरेगा, जब ही तो जाएगा ना, जीते जी तो नहीं जा सकता, यानी उसको अपने शरीर का सर्वनाश करना होगा, अपने शरीर का त्याग करना होगा। तो सर्वनाश किस गुफा में है? गुफा संख्या 2 में। इसके अलावा महादेवी, आपको पता होगा कि महादेवी की अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो महादेवी उसको जो है पनिशमेंट देती है, पनिशमेंट बोल सकते हैं हम उसे, मृत्यु के बाद जो यात्राएं दी जाती हैं यमराज जो है उन्हीं के कहने पर यात्राएं देते हैं उन्हें, तो महादेवी, या फिर हम बोल सकते हैं कि मृत्यु के बाद जब आत्मा निकलती है तो देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो महादेवी के दर्शन होते हैं। इसके बाद है महाहंस जातक, महा जुड़ा हुआ वर्ड, हंस कैसा होता? सफ़ेद कलर का होता है, शांति का प्रतीक होता है, और जब आत्मा आज़ाद हो जाती है तो ना तो आत्मा को कोई काट सकता है ना आत्मा को कोई मार सकता है, तो एक तरफ से शांति, चारों तरफ शांति हो जाती है। तो उत्तर क्या होगा? महाहंस जातक। गुफा संख्या 2 की बात करें, एक ही में पिरो तो चलो, इंसान या तो स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा, स्वर्ग गया तो इंद्रलोक, गुफा संख्या 2 में इंद्रलोक। इंद्रलोक में मिला चमत्कार श्रीवास्ती का चमत्कार, मर स्वर्ग या नर्क जाने के लिए उसे मरना होगा यानी अपने शरीर का सर्वनाश करना होगा, तो सर्वनाश हो गया। सर्वनाश होने के बाद अगर गलत कर्म किए हैं तो महादेवी उसका पनिशमेंट देंगी। इसके बाद महाहंस जातक, आत्मा निकल गई, अब आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, तो यानी कि शांति, श्वेत, तो महाहंस जातक, क्योंकि हंस भी सफ़ेद होता है। विदुर पंडित, अब क्या होता है जब कोई इंसान मर जाता है तो एक पंडित भी बुलाया जाता है और पंडित उसमें जो भी काम होते हैं वो करता है, तो विदुर पंडित हो गया हमारा। विदुर पंडित जातक भी इसी गुफा में आते हैं। क्लियर है? केवल एक बार सुनना है, अपने आप सब याद होता चला जाएगा। आगे है 446 क्वेश्चन, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की या बंगाल की? तो पाल चित्रकला है हमारे यहाँ पर बंगाल की, गोपाल द्वारा ये शैली निर्मित की गई थी। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? विनय पिटक, तो हिंदी, अपभ्रंश, पाली या संस्कृत? देखो विनय से बात करने में बौद्ध धर्म वाले सबसे आगे थे, वो शांति बरतना चाहते थे, शांति रखना चाहते थे। विनय, विनय का मतलब क्या था? बहुत प्यार से बात करना, बहुत शांति से बात करना, तो क्या होगा? पाली, पाली मतलब हो गया पाल। क्वेश्चन 448, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्र किस शैली में हुए हैं चित्रित? बाल शैली, ये पाल लिख रहा है, ठीक है ना, पाल शैली।
राजस्थानी शैली, जैन शैली या फिर पहाड़ी शैली। तो कल्प सूत्र के जो मिले हैं वो मिले हैं हमारे जैन शैली के अंतर्गत। कल्प सूत्र हो गया, कल्प हो गया। तो कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर है? अयोध्या, जौनपुर, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना है जौनपुर में है, आप इन्हें लिखते चलेंगे थोड़ा। और पहला चित्रण जो है गुजरात में होता है। क्वेश्चन 450 बोला गया है हमसे, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? रजिया बेगम, नूरजहां, साइफा बानो या तलत? तो बेसिकली साइफा बानो, रुकमई बानो, कभी कभी साइफा बानो देता है, रुकमई बानो भी होती है, नादरा बानो हो गई हमारी, सब मुगल दरबार की हैं और जहांगीर के दरबार में चित्रण का कार्य किया करती थी। इसी के साथ ये सीरीज पूरी कंप्लीट होती है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।